उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस से जबरदस्त प्रदर्शन के बीच पुलिस के साथ नेताओं की धक्का मुक्की हो गई। पुलिस कांग्रेस नेताओं को बसों में भरकर ले गई। सबसे पहले सुबह 11 बजे देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह लांजा को हिरासत में लिया गया। उसके बाद दूसरे नेताओं को हिरासत में लेकर कलेक्ट्रेट से 2 किलोमीटर दूर यूआरटी सर्किल और उसके आसपास के इलाकों में छोड़ दिया गया। इससे पहले नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी की थी। कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। कांग्रेस की कई कांग्रेस महिला नेता सड़क पर लेट गईं। इन्हें पुलिस को उठाकर ले जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।